देश में कई टाइगर रिजर्व हैं। इनमें से एक टाइगर रिजर्व झारखंड में भी है, पलामू टाइगर रिजर्व। इसे बेतला नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। कभी इस पार्क में 50 से अधिक बाघ हुआ करते थे, अब यदा कदा ही इस जंगल में बाघ दिखता है। बेतला नेशनल पार्क सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से इस इलाके में पहले सीमित संख्या में सैलानी आते थे। नक्सलवाद कम हुआ, क्षेत्र का विकास हुआ तो सैलानियों का आना भी बढ़ गया। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला है और घूमने पर बहुत ही मतलब अच्छा फील हो रहा है। और ये ऐसा है कि पहले से ज़्यादा व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, बहुत बेहतर व्यवस्था किया गया है पर्यटकों के लिए, जो कि एक अच्छा अनुभव देता है। झारखंड में एक अपने लेवल का ये हमारा पर्यटक स्थल है बेतला नेशनल पार्क, जो नेशनल स्तर पर है। और यहाँ पे आने के बाद एक सुकून मिलता है और सरकारी व्यवस्था जो है वो कुछ बेहतर हुई है हाल के दिनों में। घने जंगलों की सैर के लिए तो लोग आते थे, लेकिन अब यह वीकेंड डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो गया है। बच्चों के लिए पार्क बनाए गए हैं तो आसपास कई रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं। यहां तक कि कई ठेले लगते हैं जहां लोग फास्ट फूड का आनंद लेते हैं। दूर दराज के सैलानियों के साथ साथ बेतला और आसपास के लोग भी यहां सप्ताह के अंत में छुट्टियां मनाने चले आ रहे हैं, खासकर शनिवार और रविवार को। और यहाँ शनिचर इतवार काफ़ी भीड़ है। अभी तो खैर ठंडी का दिन है तो डेली है प्रतिदिन, है कम बेसी, रोजगार भी ठीक है, मिला जुला के हो जाता है। पहले सिर्फ प्रकृति से लगाव रखने वाले या वन्य जीवों का दीदार करने के लिए ही लोग बेतला नेशनल पार्क आते थे। हाल के दिनों में यहाँ कई बदलाव आए हैं। शानदार चिल्ड्रन पार्क बना है जहाँ झूले व मनोरंजन के अन्य साधन उपलब्ध कराए गए हैं। चिल्ड्रन पार्क खुलने के बाद बेतला में साप्ताहिक छुट्टी मनाने वालों की भीड़ बढ़ गई है। स्कूली बच्चों को भी शैक्षणिक भ्रमण के लिए यहां लाया जा रहा है। हमको आए हुए थे 4-5 बार हो गया, लेकिन इस बार आने के बाद हमको कुछ बदलाव भी आया है। पार्क और है, बच्चे जो है कुछ आनंद लेते हैं। और इसके अलावा भी ऊपर में मैं देख रहा हूँ कि और भी मॉडिफाई हुआ है और पहले से बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। को नमस्ते, मेरा नाम नीलम टोपो है। हम लोग गुमला से आए हुए हैं अपने बच्चों को लेकर बेतला पार्क देखने के लिए। यहाँ पे आके हमारे बच्चे बहुत खुश हैं, यहाँ बहुत सारे जानवर को देखने को उन्हें मौका मिल रहा है और वह बच्चे बहुत ही खुश हैं। और बहुत सारे बच्चे अभी तक घूम ही रहे हैं पार्क में और हम लोगों को यहाँ पे आके बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। पार्क में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, यही वजह है कि लोग बिना किसी खौफ के यहां आ रहे हैं। पहले शाम होते ही यहां की सड़कें वीरान हो जाती थी, अब रात में भी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। बरवाड़ी के बीडीओ राकेश सहाय ने बताया कि शनिवार और रविवार को यहां सुरक्षा के विशेष खास इंतजाम किए जाते हैं। वे खुद थाना प्रभारी के साथ गश्त लगाते हैं। बेतला नेशनल पार्क जो कि शनिवार और रविवार को खास करके पर्यटकों से भरा रहता है और यहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं घूमने के लिए, अपने परिवार के संग आते हैं, बच्चों के संग आते हैं। तो हम लोगों की प्राथमिकता के तौर पर पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। उसके लिए थाना प्रभारी बरवाड़ी पूरी टीम के साथ चौकस रहते हैं और कुटमू चौक और जो कि दुबिया खान और बरवाड़ी के बीच में हुआ, जहाँ से बेतला के दूरी 4 किलोमीटर पड़ती है, वहाँ पे हमारा 24 आवर सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। और हम पर्यटकों की सुरक्षा का ख्याल जो बरवाड़ी प्रखंड का है वो केचकी पुल से ही शुरू कर देते हैं और बेतला पिकेट भी अलग से यहाँ पे काम करता है और बेतला पिकेट में हमारे सशस्त्र जवान यहाँ पर मौजूद रहते हैं और किसी भी तरह की कोई शिकायत अगर हो किसी के साथ भी तो हम लोगों से तुरंत संपर्क करें और किसी भी हालत में हम लोग कभी भी सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं और तत्पर रहते हैं। राज्य के 4 विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर कुमार बाउरी, नवीन जायसवाल और आलोक चौरसिया बेतला भ्रमण के लिए आए थे। पूर्व पर्यटन मंत्री सह चंदन कियारी के भाजपा विधायक अमर कुमार बाउरी ने कहा कि बेतला पूरे झारखंड के अग्रणी पर्यटन स्थलों में से एक है।
बेतला झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य का एक सुंदर नमूना है। पूरी तरह से झारखंड को प्रकृति ने इतने अच्छी तरीके से गढ़ा है कि इसके दर्शन मात्र से ही लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाता है। बेतला नेशनल पार्क जो आप यहाँ जो आप देख रहे हैं, यह अपने आप में एक अद्भुत है और यहाँ पे जीव जंतुओं का एक विविधतापूर्ण एक रहने का एक आवासीय व्यवस्था भी है। तो आइए इसको देख करके जाइए। हम लोग लगातार जब भी इधर मौका मिलता है, एक रात्र के लिए, दो रात्र के लिए यहाँ रुकने आते हैं, देखते हैं। और झारखंड के टूरिज्म के दृष्टिकोण से बेतला एक सशक्त माध्यम भी है और एक सशक्त कड़ी भी है। तो मैं आपके माध्यम से जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सब से अपील करता हूं कि एक बार ज़रूर बेतला घूमने के लिए आइए। आज बेतला आने का अवसर प्राप्त हुआ और झारखंड का ये बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जगह है। हम लोग अब शादी में जा रहे हैं और इसी बीच में यहाँ पर रुकने का मौका मिला। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ ये बेतला फॉरेस्ट में केवल झारखंड के ही लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान से और दूर दूर से लोग यहाँ आएँ और इस फॉरेस्ट का जो खूबसूरती है, झारखंड का ब्यूटी, इसका लाभ लेने का काम करें। रांची से बेतला घूमने आई मास्कॉम की छात्रा सौम्या रागनी को बेतला खूब भाया। वह पूरे परिवार के साथ यहाँ पहली बार आई थी। मैं पहली बार बेतल नेशनल पार्क आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का नेचर देखकर, इतना अच्छा लग रहा है। अभी हमने ट्री हाउस देखा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमें। और यहाँ पे नेचर से एक अलग ही कनेक्शन सा महसूस हो रहा है हमें, तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूम के। एक वीकेंड में ऐसा फ्रेश फ्रेश सा माहौल मिला है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी एक नेशनल पार्क जा चुकी हूँ जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में सिचुएटेड है। वो भी काफ़ी अच्छा था, बट क्योंकि अभी रिसेंटली ये एक नया जगह एक्सप्लोर करने के लिए मिला है तो ये मुझे बहुत ही अच्छा महसूस करा रहा है। पहले पार्क के आसपास नाश्ता पानी के लिए सिर्फ एक कैंटीन थी। लोगों को काफी परेशानी होती थी, देर तक इंतजार करना पड़ता था। अब कई रेस्टोरेंट खुल गए हैं। यहाँ बेतला नेशनल पार्क में हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है घूम के। और फिर यहाँ अनेक तरह के जीव जंतु दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है घूम के। पलामू के बेतला नेशनल पार्क से सैकत चैटर्जी की रिपोर्ट। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।